मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र आत्मिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति का मंत्र है। इस संसार में अनेकों तरह की शक्तियाँ हैं, सामर्थ्य हैं, बल हैं, संपदाएँ हैं, पर उन सब की अपनी एक समय सीमा निर्धारित है। शरीर व्यक्ति का कितना भी बलशाली क्यों न हो, एक न एक दिन तो थक ही जाता है। संपत्ति कितनी भी हो, एक न एक दिन तो चुक ही जाती है। सिर्फ श्रद्धा ऐसी है जिसमें व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर मिलता ही खोने के बाद है। जिसने अपने को खो दिया वो ईश्वर को पाने का अधिकारी बन जाता है। जो शून्य हो गया वो अनंत हो जाता है। जो बूंद सागर में मिल गई फिर वो सागर ही कहलाती है। जो गंगा जी में जाकर के नाला मिल गया वो गंगा जल हो जाता है। जिसने अपने को ईश्वर को समर्पित कर दिया उसके बाद जो अभिव्यक्ति उसके माध्यम से जन्म लेती है वो उसकी अपनी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर अहंकार चला गया है, समर्पण विद्यमान है। और उसी समर्पण को साक्षात नमन करते हुए हम लोग माँ गायत्री का ये पावन मंत्र कहते हैं। सही पूछें तो आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आकर के बैठे, यहाँ जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सक्रिय कार्यकर्ता आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागृह में शांति कुंज की पावन धरती पर विद्यमान है, और जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके विद्यमान है, सन 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने जो अखंड दीपक प्रज्वलित किया, उसकी साधना यात्रा के जो 100 वर्ष 2026 में परिपूर्ण होने जा रहे हैं, उसकी यात्रा के क्रम में जो सबसे पहले और सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आज की शुरुआत हो रही है, उसको भी देखें तो वो हम सब की सम्मिलित श्रद्धा की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। परम पूज्य गुरुदेव की जीवन यात्रा के अनेकों चरण रहे। आमलखेड़ा की यात्रा एक थी, तपोभूमि की यात्रा दूसरी थी, शांति कुंज की तीसरी थी, हिमालय की यात्रा एक और थी। उनके व्यक्तित्व की, कृतित्व की जो उनने जिया और उनने किया, उसके अपरिमित परिमाण हम लोगों के सामने उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने उनके शारीरिक यात्रा को समाप्त करने के बाद जिस चेतना को उनकी उपस्थिति का प्रतीक और पर्याय बताया, उसी को हम लोग अखंड दीपक के नाम से जानते हैं। और उस यात्रा के 100 वर्ष शीघ्र संपन्न होने जा रहे हैं। सही पूछें तो जो गायत्री का मंत्र है वो उसी शक्ति चेतना सत्ता के चरणों में एक समर्पण की यात्रा का मंत्र है। एक बार कमर सीधी करके शरीर मन को शांत करते हुए उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्कर्म, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओ तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य और सूक्ष्म संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिवस, गणेश चतुर्थी का ये पावन दिन, वो दिन जिस दिन हम परम वंदनीय माता जी की महाप्रयाण यात्रा को भी स्मरण करते हैं और उनकी साधना से सिद्धि की यात्रा को भी स्मरण करते हैं, हम में से प्रत्येक के जीवन का जो आधार रहे, इस गायत्री परिवार के जो आधारशिला रहे, इस गायत्री परिवार को एक बृहत्तर रूप देने का कार्य जिन परम वंदनीय माता जी के माध्यम से संपन्न हुआ, परम वंदनीय माता जी, अखंड दीपक, इनकी शताब्दी की यात्रा का और उनके स्मरण का आज का जो ये पावन दिन, इस शुभ अवसर पर हम लोगों के मध्य में इस मृत्युंजय सभागृह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जो न केवल ज्ञान, चिंतन, चेतना, शौर्य, पराक्रम, साहस के प्रतीक हैं,
बल्कि जिनका सदा से गायत्री परिवार के प्रति एक बड़ा ही अनन्य भाव रहता है। इस उत्तराखंड राज्य के बहुत ही यशस्वी राज्यपाल आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, अपने लोगों को ये जानकर के बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा कि नित्य प्रति के ध्यान के क्रम में जब माननीय राज्यपाल महोदय ध्यान करते हैं तो उनके ध्यान के क्रम में जो सत्ता अनवरत उनके साथ उपस्थित होती है वो अखंड दीपक की चेतना होती है। जिस दिन प्रथम बार उनने अखंड दीपक के दर्शन किए थे तब से लेकर आज तक जितनी बार माननीय राज्यपाल महोदय से भेंट मुलाकात हुई तो बातचीत के क्रम में पहली पंक्ति उनके मुख से यही निकली है कि मैं उसी चेतना का अनवरत ध्यान करता हूँ जो अखंड दीपक के दर्शन के समय मुझे उपस्थित हुई थी। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने ही परिवार के मध्य में आज हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हैं, इस उत्तराखंड राज्य के एक बहुत ही यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, माननीय कुलपति जी आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा मामा जी, यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश और विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार विभिन्न स्थानों से उपस्थित सभी वरिष्ठ सम्मानित हम लोगों के कार्यकर्ता भाई बहन, प्यारे भाइयों बहनों, एंड देर आर ऑल्सो सम फ्रेंड्स सिटिंग हियर फ्रॉम लाटविया, सो आवर डियर फ्रेंड्स कमिंग फ्रॉम लाटविया ऑल द वे आरनिस एंड अनुराग, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, मित्रों आज एक बड़े ही अद्भुत अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। पुराणों में एक कथा आती है जिसको हम मत्स्यावतार की कथा के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा तपस्या करने को निकले तो कहते हैं कि उनके कमंडल के अंदर एक मछली कहीं से आ गई और देखते देखते वो मछली जो थी उसने पूरे कमंडल को अपने आकार के रूप में अपने पूरे शरीर के अंदर धारण कर लिया। जब वो कमंडल उनके सामने छोटा पड़ने लगा तो भगवान ब्रह्मा ने लिया कमंडल से निकाल करके उसको कुंड में छोड़ा, और जब वो कुंड भी छोटा पड़ने लगा तो भगवान ने कुंड से निकाला सरोवर के अंदर छोड़ा, और देखते देखते वो सरोवर भी जब छोटा पड़ने लगा तो भगवान ने सरोवर से निकाल करके उनको सागर में छोड़ा, और जब उस मत्स्य के लिए मछली के लिए वो सागर भी छोटा पड़ने लगा तो भगवान ने उनको सिर झुका करके नमन किया, उनको मत्स्यावतार कह करके पुकारा और उनके अनुसार सृष्टि की व्यवस्था को चलाने का निर्णय लिया। आज जब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की साधना की यात्रा के इन 100 वर्षों के अंतिम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं, और जब मैं हम कह रहा हूँ तो हम का अर्थ गायत्री परिवार मात्र नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की तपस्या के प्रकाश क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में, परिधि के अंदर, उसकी सामर्थ्य के अंदर न केवल गायत्री परिवार आता है बल्कि पूरा का पूरा विश्व ही समा जाता है। वो जो साधना यात्रा है जिसके प्रभाव को हम लोग अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो कई बार जब मन में वो उस महोत्सव का माहौल्लास उफनता है, उमड़ता है, तो सहज ही ये भाव होने लग जाता है कि हम लोग भी उसी अवतार यात्रा के सहचर बन गए। एक मत्स्यावतार हमारी आंखों के सामने भी घटा है और वो परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री महाविद्या की महासाधना के महाअनुष्ठान के महाविस्फोट के रूप में घटा है। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। इन 100 वर्षों के अंदर जब परम पूज्य गुरुदेव ने आंवलखेड़ा की उस पूजा की कोठरी से एक अखंड दीपक का प्रज्वलन किया तो सही पूछें तो वो गुरुदेव के साधना भवन का भूमि पूजन था। उस दिन से जो यात्रा शुरू हुई थी वो 200 रुपए की कुल जमा पूंजी से शुरू हुई यात्रा, 200 अखंड ज्योति पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से प्रारंभ हुई यात्रा, वो देखते देखते जब आंवलखेड़ा के कमंडल के लिए छोटी पड़ने लगी तो गुरुदेव ने उस गायत्री परिवार को वहाँ से निकाला और ऋषि दुर्वासा के कुंड में ले जाकर गायत्री तपोभूमि में छोड़ दिया, और जब लगा कि वो कुंड भी छोटा पड़ने लगा तो गुरुदेव ने वहाँ से निकाला और उसे ला करके शांति कुंज में सप्त सरोवर में छोड़ दिया, और देखते देखते जब वो सप्त सरोवर का क्षेत्र भी गायत्री परिवार के लिए छोटा पड़ा तो गुरुदेव ने सप्त सरोवर से निकाला और ले जाकर के विश्व मानवता को समर्पित कर दिया, और आज वो पूरे के पूरे महासागर में बदल चुका है। करोड़ों गायत्री परिजनों के रूप में, 5000 से ज़्यादा प्रज्ञा संस्थानों के रूप में, ऐसा लगता है कि गुरुदेव की वो जो साधना थी वो आज की तारीख में एक मत्स्यावतार का रूप ले चुकी है, और वो छोटी घटना नहीं, उसको हम साधारण घटना कहकर के नहीं पुकार सकते। आप जरा सोच करके देखें
यदि भगवान का सर पर हाथ न हो और ईश्वर का साथ न हो तो ऐसी घटना को घटाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। एक परिवार को व्यक्ति संभाल करके नहीं रख पाता है, चार लोगों को बांधे रखने में व्यक्ति के हाथ पैर कांप जाते हैं, और जब हम करोड़ों लोगों को एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित पाते हैं, एक ही शक्ति के लिए समर्पित पाते हैं, एक ही धागे से बंधा हुआ पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग किसी ईश्वरीय चेतना के, किसी अवतारी चेतना के, अवतारी योजना के सहभागी बन गए। एक ऐसे भाव का उदय मन के अंदर होता है कि लगता है कि हमारे जीवन का न जाने वो कौन सा सौभाग्य था जो पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी से जुड़ने का, मिलने का, उनके साथ अंग बन पाने का अवसर हमको मिला। ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि ये योजना ईश्वर की योजना है। मैं घटना सुनाता हूँ कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय में केशव चंद्र सेन थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उस समय के ब्राह्म समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे। इतने ज़्यादा प्रतिष्ठित थे कि अंग्रेज सरकार ने उस समय में उनको गवर्नर के बराबर की उपाधि दी हुई थी। जब कहते हैं किंग जॉर्ज भारत आए तो अपनी ओर से दो ही तीन लोगों से मिले, उनमें से एक केशव चंद्र सेन थे, बहुत ही प्रतिष्ठित थे, हर कोई उनको जानता था, सैकड़ों उनके केंद्र थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो उनके 200 सहयोगियों में से एक सहयोगी जो थे उनका नाम था नरेंद्र, जो बाद में चल के विवेकानंद कहलाए। और जब विवेकानंद उस समय उनके साथ गए तो उनके मन में कोई बड़ा भाव नहीं था। जीवन बड़े कष्ट से गुजर रहा था, पिता का देहावसान हो गया था, माँ बीमार चल रही थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के चला गया था। विवेकानंद बड़े कष्ट में थे, बहुत जगह मांगने के बाद भी एक जॉब उनको नसीब नहीं हो पाई थी। इतने कष्ट के मध्य में विवेकानंद ये सोच करके गए कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या पता सिफारिश कर दें तो मेरी जॉब लग जाए। इस भाव के साथ गए, और जब गए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को ऊपर बिठाया कुर्सी के ऊपर, और ज़मीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए, तो लोगों ने इशारा किया कि साहब अध्यक्ष तो वहाँ बैठे हैं। तो फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा। केशव चंद्र सेन को भरोसा नहीं हुआ। केशव चंद्र सेन ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले कि केशव एक बात बता, जो तू कर रहा है वो करने के लिए तुझे भगवान का आदेश मिला है? बोले नहीं मिला। फिर कैसे चलेगा, उनने पूछा। बोले चलता वही है जिसके सिर पर भगवान का हाथ होता है। बोले ये वाला चलेगा, और चलेगा नहीं दौड़ेगा। और जिस समय में उनने विवेकानंद की ओर इशारा किया, उस समय विवेकानंद को उस कक्ष में बैठे लोग नहीं जानते थे, और केशव चंद्र सेन को पूरा भारत जानता था। आज कहानी उल्टी है, आज केशव चंद्र सेन का नाम बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और विवेकानंद को पूरी दुनिया जानती है। चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। और वो जो घटना उस दिन घटी, वो सही पूछें तो गुरुदेव की यात्रा का भी प्रतीक और प्रमाण है। गुरुदेव ने जब 1938 में अखंड ज्योति को प्रकाशित करना शुरू किया, तो उस समय लोगों ने कहा कि साहब चलेगी नहीं, कैसे चलेगी? बोले आप जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, पेपर मिलता नहीं है, आप घर में हाथ से पेपर बनाते हो, उस हाथ के पेपर के ऊपर 250 अखंड ज्योतियों को लिखते हो, लोगों के घर में बांट के आते हो, कैसे चलेगी? पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगी? तो गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, अखंड ज्योति के अंदर लिखा। और क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और वो जो अखंड जल रही है, वो जो अखंड दीपक है, अखंड ज्योति है, वो भगवान की जलाई हुई ज्योति है। हम लोग उस दृष्टि से देखें तो जो आज का दिन है, जब हम लोग उस महायात्रा के लिए संकल्प लेने के लिए आज यहाँ आकर के एकत्रित हुए हैं, तो आज का दिन न केवल सौभाग्य के स्मरण के भाव को लेकर के आया, बल्कि जिम्मेवारी के वर्ण के भाव को लेकर के भी आया। ये याद दिलाता आया कि इस देवासुर संग्राम में दुंदुभी बज चुकी है। हर वो व्यक्ति जो जागृत है, जीवंत है, मूर्धन है, जिसके हृदय में समाज के लिए कुछ अच्छा करने का भाव है, उसको अपने अपने अस्त्रों को पैना कर लेने का समय आ गया है। क्योंकि इस बार का जो देवासुर संग्राम है, उसमें युद्ध बाहर नहीं घट रहा है। इस बार हमला करने के लिए आसुरी शक्तियों ने, नकारात्मक ताकतों ने किसी युद्ध की भूमि का चयन नहीं किया है, बल्कि मनुष्य की मनोभूमि का चयन किया है। स्वार्थ, संकीर्णता, निकृष्टता के रूप में इंसान के व्यक्तित्व के भीतर जो दुष्प्रवृत्तियां आकर के विद्यमान हैं, वो आज की आसुरी शक्ति का ही प्रतीक और प्रमाण है। और जो इस बार का युद्ध है, वो बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जाना है।
और ऐसे समय में इस अंधकार को दूर करने का काम एक ही शक्ति कर सकती है कि हमारे भीतर प्रकाश का उदय हो। आज स्वार्थ, संकीर्णता, तनाव, दुर्विचार, दुर्भाव के कारण व्यक्ति अपने ही मन के अंदर महाभारत को मचा करके बैठा है। हर व्यक्ति का जीवन कुरुक्षेत्र में बदल गया है, उसे किसी और लंका की आवश्यकता नहीं। एक घटना में कहीं पर पढ़ता था कि एक व्यक्ति था, अध्यापक के रूप में काम करता था। वहाँ पर उसने देखा कि एक बच्चा जो है उसने सामने सामने चोरी कर ली अपने बगल के विद्यार्थी के पास से। चोरी करी तो टीचर ने एक लप्पड़ लगाया, लेकर के गया पिताजी के पास कि चलो पिताजी से शिकायत करते हैं। पिताजी जो थे बड़े शासकीय अफसर थे, गवर्नमेंट की जॉब करते थे, उनने जैसे ही देखा कि हमारे बच्चे ने चोरी करी तो उनने भी एक लप्पड़ लगाया। बोले तू चोरी करता है, तेरे लिए तो मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफिस से लेकर के आता हूँ और तब भी तू चोरी करता है। जो टीचर थे उनने हाथ जोड़ा, बोले साहब गलती हो गई, गलती से यहाँ ले आया। क्यों? बोले अरे मैं ये सोच करके लाया था कि ये बच्चा जो है अभाव के कारण चोरी करता है, यहाँ आकर के देख रहा हूँ कि ये स्वभाव के कारण चोरी करता है। बोले आपने तो वातावरण ही ऐसा बना दिया है कि ऐसे में बच्चा चोरी करे नहीं करे कैसे करेगा। तो जब घर का वातावरण ही विग्रह से भर गया तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठ जाता है। कहाँ स्नेह, कहाँ सहयोग, कहाँ सौमनस्य, कहाँ परिवार, कहाँ विश्वास, कहाँ आत्मीयता, कहाँ अपनत्व, रह कहाँ जाते हैं। रहने के लिए तो एक बाड़े के अंदर भैंस और भेड़ भी एक साथ रह लेते हैं, पर मौका आता है तो एक दूसरे को सींग गड़ाए बगैर रहते नहीं हैं। वैसे ही आज इंसानियत हो गई है, रहने को व्यक्ति साथ रह रहा है, मौका मिल जाए तो एक दूसरे का गला दबाए बगैर व्यक्ति रहता नहीं। ये जो स्थिति है जिनको हम दुष्प्रवृत्तियों का एक देवासुर संग्राम कह सकते हैं, ये भगवान को स्वीकार नहीं है दोस्तों। जब हमें ही स्वीकार नहीं है तो बनाने वाले को कैसे स्वीकार होगी। वो भी इस दुनिया को बदलना चाहते हैं और इस दुष्प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ देने के बाद जिन सत्प्रवृत्तियों को लाने का दायित्व सौंपा गया है वो गायत्री परिवार है। जिन आस्थावान परिवारों को, जिन आस्थावान व्यक्तित्वों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि इस अंधकार के जाने के बाद उनको प्रकाश के लाने की व्यवस्था बनानी है, सही पूछा जाए तो वही गायत्री परिवार है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, हम सोच करके देखें। गली को साफ करने की जिम्मेवारी नहीं, एक वार्ड को साफ करने की जिम्मेवारी नहीं, एक मोहल्ले को साफ करने की जिम्मेवारी नहीं, एक घर को साफ करने की जिम्मेवारी नहीं, एक जनपद को साफ करने की जिम्मेवारी नहीं, एक राज्य को साफ करने की जिम्मेवारी नहीं, एक देश को साफ करने की जिम्मेवारी नहीं, बल्कि पूरी मानवता के जनमानस का परिष्कार करने की जिम्मेवारी हमको आपको सौंपी गई है। इससे बढ़कर के जिम्मेवारी इस युग में दूसरी मिल नहीं सकती। गुरुदेव ने जब सन 1926 में अखंड दीपक को प्रज्वलित किया तो उद्देश्य यही था कि जब 100 वर्षों की यात्रा हो, इनको हम शतवर्षीय साधना यात्रा कह सकते हैं, और ये जो 100 वर्षों की यात्रा है इसका उद्देश्य यही है कि धरती के ऊपर जो अंधकार छा गया है वो जाए। 100 वर्षों में अंधकार जाएगा, और जब अंधकार जाएगा तब सवेरा आएगा। सवेरा तो तभी आ सकता है जब अंधकार जा सकता है। रात समाप्ति तब होती है जब भगवान सूर्य का उदय होता है। कोई ये सोचे कि अंधेरा ज़्यादा हो गया है, हम पुलिस को शिकायत करेंगे तो करिए, हम कोर्ट में याचिका डालेंगे तो डालिए, वो डालने से सवेरा नहीं होता। सवेरा होता तभी है जब भगवान सूर्य का उदय होता है, उनकी लालिमा छाती है, और जब तक अंधेरा रहता है तब तक अंधेरे के जितने भी स्वरूप हैं विद्यमान रहते हैं। अंधेरा होता है तो क्या होता है, व्यक्ति भयभीत होता है, रस्सी को सांप समझ लेता है, वो झाड़ी को चुड़ैल समझ लेता है, और पर्दे को भूत समझ लेता है। अंधेरा होता है तो क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित होता है, जाना कहीं था पहुंच कहीं जाता है, सिर कहीं टकराता है, पैर कहीं टकराता है। और अंधेरा होता है तो क्या होता है, अंधेरे के प्राणी राज करते हैं, उल्लू है, चमगादड़ है, सांप है, बिच्छू है, इनमें से कोई भी भला नहीं, कोई गाय की तरह से सीधा नहीं। आज जो अंधकार छाया है उसके कारण यही हो रहा है। मानवता अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठी है। व्यक्ति को जाना कहीं और था, जाता कहीं और है। व्यक्ति को करना कुछ और था, करता कुछ और है। व्यक्ति को सोचना कुछ और था, सोचता कुछ और है। व्यक्ति को खाना कुछ और था, खाता कुछ और है। जो जीवन के उद्देश्य है वो पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं। व्यक्ति का चिंतन भ्रमित है अंधकार के कारण, जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है अंधकार के कारण, परिवारों के अंदर का प्रेम चला गया अंधकार के कारण, समाज अपने उद्देश्य को भूल करके बैठा है अंधकार के कारण। जाएगा कैसे, प्रकाश के कारण। उस प्रकाश को लाने की जिम्मेवारी गायत्री परिवार की है। गुरुदेव ने एक ही उद्देश्य बताया कि वो जो अखंड दीपक की ज्योति है, अखंड ज्योति, उसको प्रचंड बनाने का दायित्व हमारा है। उसको हम लोग अपनी आत्म ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित करें,
अखंड दीपक के प्रकाश को, उसकी प्रेरणा को अपने व्यक्तित्व के केंद्र में प्रतिष्ठित करें, यहाँ से उस संकल्प को लेकर के जाएं जिसके माध्यम से समाज को जगा पाना संभव हो पाता है। बिल्कुल सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में कहें तो समाज का बदलाव तभी संभव है जब परिष्कृत व्यक्तित्व उसको बदलने के लिए आगे निकल करके आते हैं। जब भगवान अज का, दिलीप का, रघु का, इक्ष्वाकु का संकल्प जागता है तो फिर धरती का भाग्य बदल पाता है। रघु के हाथ में साम्राज्य जाता है, कल्याण का माध्यम बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में तलवार जाती है, समाज के कल्याण का माध्यम बन जाती है। यदि अच्छे लोगों के हाथ में वो संपदा जाती है, संपत्ति जाती है, संस्कार जाते हैं तो वो समाज के कल्याण का माध्यम बनते हैं, नहीं तो वही साम्राज्य, वही संपत्ति, वही सत्ता, वही संपदा यदि गलत व्यक्ति के हाथ में जाती है तो अभिशाप का कारण बन जाती है। दूध वही होता है, ऋषि के हाथ में लग जाए प्रसाद बन जाता है, पर यदि सांप के मुंह में लग जाए तो जहर हो जाता है। यदि व्यक्ति अच्छे होंगे तो यही समाज, यही सारी की सारी व्यवस्था, इसी संस्कार को बदल पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी। सीधा सरल स्पष्ट गुरुदेव का चिंतन था, हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। हमारी आत्मज्योति ही संसार के अंधकार को दूर कर पाने की सामर्थ्य रखती है। अंत में, चूंकि समय अल्प है, माननीय राज्यपाल महोदय को अगले कार्यक्रम के लिए भी जाना है, तो सिर्फ पूज्य गुरुदेव की आज से 90 वर्ष पहले लिखी गई एक पंक्ति के साथ, कविता के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव सैनिक समाचार पत्र के अंदर कार्य करते थे, उसके संपादन का, और आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने इन पंक्तियों को लिखा। ये लिखा कि ये जो समय है वो अब बदलने ही वाला है, इसको बदलने की तैयारी हम लोगों को कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा परिवर्तन निश्चित है, बोले देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, बोले बाधाएं तो आएंगी, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, बोले कितनी भी तकलीफ आ जाए पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। गुरुदेव ने लिखा कि कोई भी सामने आ जाए सत प्रवृत्ति के आगे रुकने वाला नहीं है, शांत हिमालय फटे, प्रलय होए, बवंडर आए, कुछ भी हो जाए, गुरुदेव ने कहा रुकने का नाम नहीं है। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोलें, सोने वाले उठें, सिपाही जागें सावधान हो लें। ये जो समय है वो उन लोगों के जागने का है जिनको भगवान ने आवाज देकर के बुलाया है। सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में 100 वर्षों की जो यात्रा है वो एक नए चरण की ओर बढ़ रही है, और ऐसे समय में न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जगाने की जिम्मेवारी हमारी है बल्कि पूरे भारत को और विश्व को जगाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। उस संकल्प को लेकर के हम लोग यहाँ से विदा हो सकें, ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरुसत्ता से करते हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी मंगल कामनाएँ। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।